घर में माँ बाप को झगड़ा भी करते हैं आपस में, कोई वाद विवाद हो जाए तो चुपचाप कोने में ऐसे करो कि बच्चों के मनोविज्ञान से बहुत बुरा फर्क पड़ता है। तेज आवाज में बोलना, गाली करना, ये जितनी भी खराब चीजें कुरीतियां हैं, ये सब गलत बातें घर में करनी, बच्चों के सामने हमें नहीं करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना। बच्चा सीखता है इसी सब से सीखता है। देखो 8 घंटे रहता है स्कूल और बाकी 16 घंटे जो है वो घर में रहता है। दूसरा स्कूल बच्चे का है वो घर, और उसकी जिम्मेदारी उससे कम नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी तो डबल है क्योंकि 16 घंटे रह रहा है, 8 घंटे रह रहा है, ज्यादा जिसकी हो जाती है समाज के लिए हो जाती है। ये सब बातें मुझे बहुत बड़ी और तुम्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बात दिवस की बधाई। मैडम मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी बातें और ये कार्यक्रम भी आज हमें करने का मौका मिला, बाल दिवस के अवसर पर जितनी बातें हम कह रहे हैं उनको उनको समझना जरूरी है, सुनना जरूरी है और उस पर अमल करना जरूरी है। बातें बताई महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी आज बाल दिवस के अवसर बारीकी से समझाया कि किस तरह जो आधुनिकीकरण में मोबाइल का उपयोग तो है, दुरुपयोग भी हो रहा है, किस तरह हो रहा है वो भी सबने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सब मंच से आते हुए निवेदन करूंगा एक बच्चों के हमें ग्रुप फोटो ले लेंगे तो आप लोग के ही बच्चे बच्चे सब खड़े हो रहे हैं, आए हो आज सब बच्चे आ गए, अच्छे तो मेरे लाइन बना लो यहां बैठा दीजिए बच्चों को, इसके ऊपर बैठ जाएं सही है ना, बच्चे आए हैं और मेरे छोटे बच्चे आ गए हैं, हां बैठा दो लाइन जितनी हो आगे कौन देखो आप इसे बैठ जाओ बैठ जाओ बच्चे आगे 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 बच्चे आगे